स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अगेन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, वी स्टडी अबाउट द रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशन होता है उसको अपन स्टडी कर रहे थे। देखो स्टूडेंट्स, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशन है। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, जब क्या होता है कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है, तो उस कंडीशन पर पॉजिटिव कब होगा, तब x x के क्या होगा, जस्ट ऊपर होगा, ये लेवल क्या होगा, पॉजिटिव। ये बोला है कि व्हेन टोटल यूटिलिटी इज पॉजिटिव देन व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव देन टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीज्ड। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव देन टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीज्ड। एंड व्हेन सेकेंड रिलेशन क्या होगा, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो देन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। ये क्या है, टोटल यूटिलिटी का मैक्सिमम लेवल है, ठीक है। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो देन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, ये वो क्या होगा, टोटल यूटिलिटी का मैक्सिमम लेवल होगा, ठीक है। क्या होगा, टोटल यूटिलिटी का मैक्सिमम लेवल होगा। क्या बोले, फर्स्ट रिलेशन तो क्या था, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव देन टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीज्ड। सेकंड रिलेशन क्या होगा, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो देन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। एंड थर्ड रिलेशन क्या है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, अगर x x के नीचे आ रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव। तो व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव देन टोटल यूटिलिटी इज डिक्रीज्ड, ठीक है। तो ये थ्री रिलेशंस को अपन ने स्टडी किया है, ठीक है। फर्स्ट रिलेशन आपको बता दिया कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव देन टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीज्ड, जब इंक्रीज हो रहा है। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो देन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम लेवल है। And when marginal utility is negative, then total utility is decreased. उस टाइम पे क्या होगा, total utility decreased होगी, ठीक है। Next हमारा टॉपिक है limitations of utility. Limitations of utility का देखो क्या है। First जो आपने इसका जो limitation study किया है, वो study कर रहे हुए हैं। Each unit being consumed must be identical and same. जो भी अपन यूनिट्स को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, यूज में ले रहे हैं, वो हर एक ईच यूनिट्स मस्ट बी आइडेंटिकल एंड सेम। हर एक यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, मतलब उनमें साइज बेसिस पे एंड वेट बेसिस पे क्या होना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। उनमें साइज बेसिस पे एंड वेट के अकॉर्डिंग डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ईच यूनिट, ईच कंज्यूम यूनिट इज आइडेंटिकल एंड सेम, हर एक यूनिट क्या होनी चाहिए, आइडेंटिकल एंड सेम होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड लिमिटेशंस क्या था, देयर शुड बी नो चेंज इन द इनकम एंड बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। हाँ, बोल रहे हैं कि कंज्यूमर्स का जो बिहेवियर है, ठीक है, कंज्यूमर्स की इनकम और कंज्यूमर के नेचर, ठीक है, कंज्यूमर के बिहेवियर में कोई भी चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। अगर अपने को यूटिलिटी कर बनाना है या यूटिलिटी को कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए ये कंपलसरी है कि कंज्यूमर्स की इनकम एंड कंज्यूमर्स बिहेवियर नॉट चेंजेस। कंज्यूमर्स का जो इनकम है और कंज्यूमर का जो बिहेवियर है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। अगर उसमें कोई चेंजमेंट हुआ तो एक अपने को प्रॉपर यूटिलिटी कर अपन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि देयर शुड बी नो चेंज इन द इनकम एंड बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम और बिहेवियर में कोई भी चेंजमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। थर्ड लिमिटेशन है नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ द आइटम्स। ये बोला है नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ द आइटम्स, मतलब जिस आइटम को आप यूज कर रहे हो, जिस आइटम को आप कंज्यूम कर रहे हो, उसकी वैल्यू में, उसकी जो प्राइस होती है, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी कंपलसरी इसका एक लिमिटेशन है कि जो भी पर्टिकुलर आइटम आप कंज्यूम कर रहे हो, यूज में ले रहे हो, उसमें क्या नहीं होना चाहिए, एक तरह से उसकी जो वैल्यू
थर्ड लिमिटेशन हो गया नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ द आइटम, आइटम की जो वैल्यू है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। फोर्थ जो लिमिटेशन आता है वो आता है नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूट्स गुड्स। सब्स्टिट्यूट्स गुड्स कौन से होते हैं? सब्स्टिट्यूट्स गुड्स होते हैं जैसे टी एंड कॉफी, ठीक है, टी, ठीक है, कॉफी, ठीक है, ये क्या होते हैं अपने सब्स्टिट्यूट्स गुड्स होते हैं, ठीक है। ये बोले कि नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूट्स गुड्स, मतलब वो भी सब्स्टिट्यूट गुड्स है, ठीक है, उनकी वैल्यूज में क्या नहीं होना चाहिए, चेंजमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम टी की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कॉफी में कोई चेंजमेंट नहीं होना चाहिए, कॉफी की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो टी की प्राइस में कोई चेंजमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उनमें उनकी वैल्यूज में उनकी प्राइस में क्या होना चाहिए, चेंजमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपने को क्या करना है कि इसका नेक्स्ट जो लिमिटेशन है कि नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो भी सब्स्टिट्यूट गुड्स है उनकी वैल्यूज में चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। फोर्थ जो लिमिटेशन है वो है नो टाइम गैप इन कंजप्शन, नो नो टाइम गैप, टाइम गैप इन कंजप्शन, नो तो फिफ्थ लिमिटेशन है वो कौन सा है, नो टाइम गैप इन कंजप्शन। इट मीन्स कि अपन कोई भी यूनिट्स का अगर यूटिलिटी कैलकुलेशन कर रहे हैं या कोई प्रोडक्ट की यूटिलिटी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो अपन यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हैं वो यूनिट्स हैं वो रेगुलर कंज्यूम होनी चाहिए, उनमें कोई पर्टिकुलर टाइम गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। नो टाइम गैप इन कंजप्शन, कंजप्शन मतलब नो टाइम गैप मतलब आप कोई भी पर्टिकुलर यूनिट्स को क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो तो उसमें टाइम गैप नहीं होना चाहिए, मतलब वो कंटिन्यूसली अपने वो यूनिट्स को क्या करना होगा, कंज्यूम करना होगा, यूज में लेना होगा, ठीक है। तो इसी उसकी वजह से अपन क्या कर पाएंगे, यूटिलिटी की प्रॉपर कैलकुलेशन कर पाएंगे, ठीक है। ये होता है कि नो टाइम गैप इन कंजप्शन, मतलब कंजप्शन में कोई भी टाइम गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं है कि आप एक यूनिट अभी कंज्यूम कर रहे हो और एक यूनिट को आपका 3 आवर्स कंज्यूम कर रहे हो तो उसकी प्रॉपर यूटिलिटी की कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।